चुनाव नगर पालिकाओं के घोषित हो गए हैं, पंचायतों के जल्दी घोषित होने वाले हैं। हमने अपने विधान में, चाहे पंचायतें थी चाहे नगर पालिका थी, इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ आरक्षण हमने घोषित किया था, इसलिए कि कुछ सदस्य आने चाहिए। ताली बजाए नहीं, अभी मेरी बात समझ रहे, पूरी ताली बाद में बजाना। तो हमने वो घोषणा की थी, लेकिन कोई आदमी कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने कहा, कोर्ट से उस आदमी ने कहा कि इस परसेंटेज को तय करने का आधार क्या है, आधार में कोई एक गिनती होनी चाहिए। हमने कहा हमारे प्रदेश में इतने जनरल हैं, इतने बीसीए हैं, इतने बीसीबी हैं, इतने शेड्यूल कास्ट हैं। उनका नहीं, प्रदेश का नहीं चलेगा, जहां चुनाव है, जिस प्रदेश, जिस गांव का है या जिस वार्ड का है, जिस जिले का है, जिस जिला समिति का है, जो इकाई चुनाव वाली है, उस इकाई का परसेंटेज क्या है, जब तक ये नहीं होगा तय, तब तक आप बैकवर्ड को अपना ये रिजर्वेशन नहीं दे सकते। इसलिए हमारे सामने दो ही विकल्प थे। एक विकल्प ये था कि हम इसकी कोई एक बीसी कमीशन अलग से बनाएं और बीसी कमीशन सारे हरियाणा का, हर गांव का, हर वार्ड का, मोहल्ले का, और वो आबादी के हिसाब से परसेंटेज निकाले कि इसमें बैकवर्ड ए कितने हैं, बैकवर्ड बी कितने हैं, एससी कितने हैं, वो निकाले, उसके बाद हम चुनाव कराएं। लेकिन आपको पता है सरकारी कामों में कितना समय लगता है, अगर इसको हम शुरू करते तो कम से कम 2 साल चुनाव नहीं होने वाले थे, 1 साल तो पक्का ही था। हमने फिर तय किया, नहीं, अगर ये कहते हैं तो अगली बार का तो इसी हिसाब से कराएंगे जैसा ये कह रहे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव हम अपनी पार्टियों में उनको कहेंगे कि हर पार्टी अपने अपने